हेलो माय डियर्स फ्रेंड्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको थंबनेल से हेडिंग से कंफर्म हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, सही देखा आपने कि आज बीएड परीक्षार्थियों के संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए जल्दी से हम संबंधित खबर का अवलोकन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 जुलाई को होगा। शासन द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में निर्देश मिलने के बाद रविवार देर शाम इसकी तारीख जारी कर दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 से बचाव हेतु जारी गाइडलाइन को सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 8 अप्रैल 2020 को होनी थी, इसके बाद परीक्षा 22 अप्रैल को आयोजित करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब ये परीक्षा 29 जुलाई को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 1,10,000 अभ्यर्थियों ने केंद्र परिवर्तन हेतु नए केंद्रों का चयन किया है। इसके आधार पर विश्लेषण कर कोविड-19 से बचाव के लिए अधिकतम केंद्र बनाए जाए। इस बार दुगने से ज़्यादा बनेंगे परीक्षा केंद्र। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार पहले के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा परीक्षा केंद्र होंगे। एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। प्रवेश परीक्षा के संबंध में शासन से निर्देश मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार करीब 1900 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में इस साल 4.5 लाख आवेदक हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले करीब 900 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या कम करने से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। फिलहाल परीक्षा केंद्रों के चिन्हांक के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या सीमित रखी जाएगी। एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के बाद परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। ये स्टेटमेंट है प्रदेश और प्रवेश समन्वयक बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रोफेसर अमिता वाजपेयी जी का। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो चुकी है। तो जी जान से आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हाँ, अगर आप इससे संबंधित खबर की फुल डिस्क्रिप्शन की लिंक मैंने नीचे मेंशन कर दी है, आप चाहें तो वहाँ जाके वहाँ क्लिक करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।